लगभग 22 महीने तक होता है और 1% मामलों में कई बार ट्विंस बच्चे भी जन्म लेते हैं। नए जन्मे हाथी की लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर और वेट 112 किलोग्राम तक होता है। हाथी अपनी सूंड से 770 पाउंड तक का वजन उठा सकते हैं। इमेजिन कीजिए कितना ज़्यादा वजन ये हाथी उठा सकते हैं। अफ्रीकन हाथियों के कान भारतीय हाथियों से बड़े होते हैं। अफ्रीकन हाथियों की तुलना में एशियाई हाथियों के टस्क बहुत छोटे होते हैं। हाथी की सूंड के अंत में उंगली फिंगर जैसा एक ऑर्गन होता है जो अफ्रीकी हाथियों में 2 और एशियन एलिफेंट्स में 1 होता है। इसके द्वारा ही हाथी विभिन्न वस्तुओं को उठा पाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हाथी की सूंड उसकी नाक और अपर लिप दोनों है। इसके द्वारा वे सांस लेते हैं, सूंघते हैं, पकड़ते हैं और आवाज भी निकालते हैं। ये देखिए हाथी नहा रहा है। हाथी की सूंड बहुत बड़ी और लगभग 400 पाउंड वजन की होती है। इसके बावजूद ये बहुत फुर्तीली होती है और हाथी इससे चावल के दाने जैसी छोटी वस्तु भी उठा सकते हैं। है ना कितनी रोचक बात। दोस्तों, हाथियों का जीवन काल औसतन हम मनुष्यों की तरह 70 साल तक का ही होता है। झुंड का नेतृत्व भी बड़े उम्र के मेल या फीमेल हाथी ही करते हैं। ये देखिए इसमें हाथी की सूंड। हाथी की सूंड बेसिकली उसकी ये नाक ही है। हाथी का अपनी शक्ति पर दोस्तों पर्याप्त नियंत्रण होता है। वे अपनी सूंड से कच्चे अंडे को बिना तोड़े उठा सकता है। शायद हम इस चीज की कल्पना हाथी के विषय में तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कितना अमेजिंग फैक्ट है। एक हाथी बहुत कम नींद लेते हैं। ये रात में लगभग 5 घंटे ही सोते हैं। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं और पानी तो आपको पता ही है हाथी को बहुत ज्यादा प्रिय है। ये देखिए कोहरे में एक हाथी ठंड के मौसम में। दोस्तों, हाथी थाईलैंड का नेशनल एनिमल है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को एलिफेंट एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। एक हाथी का बच्चा अक्सर रिलैक्स होने के लिए अपनी सूंड को चूसने लगता है, बिल्कुल जैसे इंसानों के बच्चे अपने फिंगर को सक करने लगते हैं उसी तरीके से। एक हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर की दूरी से भी सूंघ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि हाथी हर मिनट में केवल 2 से 3 बार ही सांस लेते और छोड़ते हैं। ये देखिए शानदार हाथी। अगर किसी झुंड का एक हाथी मर जाता है तो सारा झुंड अजीब अजीब तरह से गरज कर चिंगाड़ कर शोक मनाता है, क्योंकि हाथी बहुत ही ज्यादा सोशल एलिमेंट है। हाथियों में एक प्रकार का ट्यूबरक्लोसिस होता है जो इंसान में ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए हाथियों के करीब काम करने वालों को इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है जिससे उनमें कि इस ट्यूबरक्लोसिस का ट्रांसफर ना हो सके। हाथी में दोस्तों इंसानों जैसी भावनाएं होती हैं, जैसे किसी के जाने का दुख महसूस करना, शोक मनाना और रोना। वे मौत के कई साल बाद तक अपने प्रियजनों को याद करते और शोक मनाते हैं। बिल्कुल इंसानों जैसी भावनाएं इनमें होती हैं। देखने में लगता नहीं है, लगता है कि ये तो बिल्कुल ही जस्ट एनिमल ही है। है तो एनिमल ही, लेकिन इसमें भावनाएं इंसानों के स्तर की हैं। जब एलिफेंट विस्परर लॉरेंस एंथोनी की मृत्यु हुई थी तो हाथियों का एक झुंड उनके घर शोक मनाने पहुंच गया था। है ना कितनी शानदार बात। हाथी अपने मृत साथियों को सम्मान करते हैं और उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। वे मृत हाथी की हड्डियों को उसके मरने के स्थान पर ही दफन भी करते हैं और समय समय पर वो उस स्थान पर जाते भी हैं। दोस्तों, हाथी साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं और हर रोज नहाते हैं। पानी तो हाथी को बहुत प्रिय है ही। हाथियों का डाइजेशन बहुत खराब होता है तो इस कारण वे एक बहुत ज्यादा मात्रा में गैस मीथेन छोड़ते हैं और एक दिन में लगभग 250 पाउंड खाद का उत्पादन करते हैं। ये देखिए टस्कर हाथी है।
अच्छा दोस्तों, अफ्रीकन जो हाथी होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों के टस्क होते हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ जो हाथी पाए जाते हैं उसमें सिर्फ मेल एलिफेंट के ही टस्क होते हैं। हाथियों को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, वे पानी में गोता लगाना, तैरना और लहरों से खेलना ये सब काम करते हैं। हाथी अपनी सूंड से फर्श पर गिरा हुआ एक छोटा सा सिक्का भी उठा सकते हैं। कई अन्य प्रजातियों की तरह हाथी अपनी सूंड से ब्रश को पकड़कर कलाकारी भी करते हैं। और ये देखिए, नहाना पसंद है हाथी को, तो वो नहा भी रहा है अपना। यंग अफ्रीकन हाथी की लंबाई 13 फीट तक बढ़ जाती है और इंडियन एलिफेंट की 10 फीट तक। देखिए हाथियों का झुंड। अफ्रीकी हाथियों की तुलना में एशियाई हाथियों के प्रत्येक पैर में एक अतिरिक्त नाखून होता है। एशियाई हाथियों के सामने के पैरों पर 4 और पीछे के पैरों पर 4 नाखून होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों में 4 आगे और 3 पीछे होते हैं। देखिए लगातार कान हिला रहे हैं, जो फैक्ट मैंने आपको बताया था। प्रारंभिक दौर में रेल के डिब्बों को धकेलने, उठाने और माल ढोने में हाथियों का इस्तेमाल होता था। 1963 में बड़ौदा में ट्रेन खींचने से लेकर माल ढुलाई का कार्य हाथियों द्वारा करवाया जाता था। ये झुंड लग रहा है, इसमें जो फैमिली है, झुंड तो कहना है ही नहीं है, फैमिली है, मेल फीमेल और एक बच्चा लग रहा है। हाथी लगभग एक दिन में 120 किलो तक भोजन खा जाते हैं। हर हाथी की गरज भी हम मनुष्यों की आवाज की तरह भिन्न भिन्न होती है। हाथी जिस आवाज को सुनते हैं उसकी नकल भी कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर हाथी। हाथी कभी भी आपस में नहीं लड़ते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन आम तौर पे ये नहीं लड़ते हैं। हाथियों की पल्स रेट बहुत धीमी होती है, लगभग 27 बीट प्रति मिनट की इनकी पल्स रेट होती है। इसमें हाथी देखिए एंटीलोप्स के झुंड के पास, और ये हाथी यहाँ पॉन्ड के पास, जहाँ पानी है जंगलों में, वहाँ हाथी तो जरूरी होता है आमतौर पर। हाथी के कान के पीछे का हिस्सा उसके शरीर का सबसे कोमल भाग होता है, जिसे नकल कहा जाता है। सर्कस में जो हाथी आप देखते हैं वे फीमेल होती हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है। मेल हाथी एग्रेसिव होता है। दोस्तों हाथी चींटियों और मधुमक्खियों से डरते हैं, यही कारण है कि कई अफ्रीकन कंट्रीज में किसान हाथियों से अपने खेत को बचाने के लिए खेत के किनारों पर मधुमक्खियां पालते हैं। वही फसल की रक्षा तो करनी है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। वर्तमान समय में अब 2 ही हाथियों की प्रजातियां बची हुई हैं, पर दुनिया में प्राप्त भिन्न जीवाश्मों से पता चला है कि आज से 5 करोड़ साल पहले तक हाथियों की करीब 170 प्रजातियां विकसित थीं। यह जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाए गए हैं। देखिए बेबी एलिफेंट कितना सुंदर दृश्य है, मदर एंड बेबी एलिफेंट, और ये देखो नीचे से मदर के निकल आया है, कितना प्यारा छोटा सा एलिफेंट बेबी। हाथियों में यौवन अवस्था आमतौर पर 13 या 14 साल की आयु में आ जाती है। जानवरों में हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है और हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। हाथियों का झुंड जंगल में। हाथी आमतौर पर झुंड में ही रहते हैं। फीमेल एलिफेंट्स बहुत बड़े झुंडों में रहती हैं, जिनका नेतृत्व एक बूढ़ी फीमेल एलिफेंट ही करती है। हाथियों के टस्क लाइफ लॉन्ग बढ़ते रहते हैं। मेल हाथी के टस्क 1 साल में लगभग 7 इंच तक बढ़ जाते हैं। हाथी के टस्क 200 पाउंड तक भारी और 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। और टस्कर हाथी, अकेला टस्कर हाथी दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एक बार को आप शेर से बच सकते हैं, लेकिन अगर अकेले अगर आप टस्कर के सामने आ गए तो बचना बहुत मुश्किल होता है। नर हाथी 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड छोड़ देते हैं। हाथी लंबी दूरी तक तैरने में सक्षम होते हैं, वे बिना आराम किए लगातार 6 घंटे तक तैर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात है कि प्रकृति के एक तरह से बहुत बड़े स्विमर हैं ये। इंसान की तरह हाथी भी लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं। जैसे यदि हाथी लेफ्टी है तो वह लड़ने, चीज़ों को उठाने या पेड़ों की को छीलने के लिए बाएं दांत का ही इस्तेमाल करेगा। ये वही हर्ड है जो हमने अभी देखा था।
फैमिली, निरंतर इस्तेमाल में आने के कारण समय के साथ हाथियों का अधिक उपयोग में आने वाला दांत घिसकर छोटा हो जाता है। हाथी एक दूसरे से सूंड मिलाकर ग्रीटिंग करते हैं, अब या अब कह सकते हैं अभिवादन करते हैं। ये देखिए, ये हाथी नहा रहा है, टस्कर है। हाथी एकमात्र मैमल है जो कूद नहीं सकता। वे इतने भारी होते हैं कि एक ही समय में जमीन से चारों पैरों को नहीं उठा पाते, और पानी तो इसको पसंद है ही। आप लगातार वीडियो में देख रहे होंगे, जगह जगह जहां पानी है जंगल में, वहां हाथी मिलते हैं आमतौर पर। हाथियों के मुंह के बाहर जो बड़े दांत दिखाई देते हैं उन्हें टस्क कहा जाता है। एक्चुअली में ये बड़े हुए इंसीजर्स ही हैं। कीचड़ हाथियों के लिए सनस्क्रीन का काम करता है। वह उसकी स्किन को सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। हाथी अधिकतम 25 मील 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं। हाथी अपने पैरों की संवेदी कोशिकाओं के जरिए भूकंप को भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।